बसमिल्लाम प्लाज्मा फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स में आज हम चैप्टर नंबर टू से सिंगल पार्टिकल मोशंस के सिलसिले का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे टॉपिक है चार्ज्ड पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली डिस्कस किया था आज हम इसमें शामिल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन्फ्लुएंस। यानी अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हैं तो ऐसे में चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है या उसमें क्या चीज़ वो कैसे परफॉर्म होगा ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे हमारे पास जो केस है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक तो मौजूद हैं दूसरा दोनों यूनिफॉर्म हैं ना तो वो टाइम वेनिंग है ना वो स्पेशल उनमें डिफरेंस आ रहा है दोनों ही यूनिफॉर्म हैं तो ऐसे में पार्टिकल में एक ड्रिफ्ट क्रिएट होती है ड्रिफ्ट जो है उस ड्रिफ्ट को आप बोलते हैं ई क्रॉस बी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट होता क्या है ड्रिफ्ट एक स्लो कॉन्टीन्यूस स्लो मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप ड्रिफ्ट कहते हैं और जितनी स्पीड uh, से या जितनी वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट मोशन क्रिएट होता है या वो ड्रिफ्ट क्रिएट होती है उसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं तो हमने प्रीवियस uh, लेक्चर में देखा मैग्नेटिक अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल सिंपली जायरेट करता है मतलब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड uh, के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अबाउट सर्कुलर जायरेशन परफॉर्म करता है सर्कल्स में मूव करता है और एक हेलिकल मोशन जो है उसका ओवरऑल बनता है ऐसे में उसका जो रेडियस uh, है मैग्नेटिक फील्ड के दोनों साइड्स पे यानी उसका जो सेंटर है सेंटर से उस एक पूरे सर्कल का रेडियस जो है वो सेम रहता है और उस रेडियस में चेंज नहीं आती तो हम कहेंगे कि इस मोशन में ड्रिफ्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर जायरेशन uh, होगी लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा चार्ज पार्टिकल को अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी वजह से गाइडिंग सेंटर अब लीनियरली मूव नहीं करेगा यानी जी एक्सिस के अलोंग गाइडिंग सेंटर लीनियरली मूव नहीं करेगा बल्कि पार्टिकल के ऑर्बिट में ड्रिफ्ट क्रिएट होगी एक साइड से पार्टिकल जो है वो तेज़ी से मूव करेगा और घूमते हुए जब वो दूसरी साइड पे आएगा तो उसका मोशन जो है वो स्लो हो जाएगा ये आगे हम डिस्कस करते हैं बहरहाल यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट है तो मोशन जो है पार्टिकल का मोशन उसको आप टू पार्ट्स में कह सकते हैं एक पार्ट उसका ये है सर्कुलर लार्मर जायरेशन यानी जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जायरेशन है उसको हम लार्मर जायरेशन कहते हैं प्लस ड्रिफ्टिंग ऑफ द गाइडिंग सेंटर साथ में गाइडिंग सेंटर जो है वो ड्रिफ्ट होगा उसका मोशन चेंज होगा तो उससे हम ड्रिफ्ट कहेंगे तो इसलिए हम इसमें दो तरह के मोशन्स जो है उसको देखेंगे इसको डिटेल में डिस करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं इसके लिए हम जो सिचुएशन ले रहे हैं उसमें आप ये कह लें कि ई e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मैग्नेटिक फील्ड बी है और पार्टिकल uh, का जो uh, उसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो वी है हमने यहां पे ये यह किया है कि फॉर सिंप्लिसिटी हम E को एक्स जी प्लेन में ले रहे हैं E अगर एक्स जी प्लेन में है तो इसका y कंपोनेंट जीरो होगा यानी इसका ई एक्स कंपोनेंट मौजूद है ई जी कंपोनेंट मौजूद है जबकि ई वाई कंपोनेंट इसका जीरो होगा लॉरेंस इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डिस्चार्ज पार्टिकल जो है वो हम उसको कैसे लिखते हैं एम डी वी बाई डी टीवल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी जिसमें ई फॉर अलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी क्रॉस बी मोशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अब इस इक्वेजन ऑफ मोशन को जब आप कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ये मैंने इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है विलोसटी के तीन कंपोनेंट्स लिख लें वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप प्लस वी जी जी कैप इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के कम्पोनेंट्स टू कम्पोनेंट्स हैं ई एक्स एक्स कैप एंड ई जी जी कैप वाई कम्पोनेंट इस का जीरो है जबकि v क्रॉस b v क्रॉस b को हम कैसे फाइंड करते हैं v क्रॉस b हम लेते हैं बाई डिटर्मिनंट फॉर्म आप v और b के कंपोनेंट्स डिटर्मिनट में लिखें और डिटर्मिनंट को सॉल्व कर लें उससे हमारे पास v क्रॉस b आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने वी एक्स वी वाई वी जी लिखा और b जो है इट इज़ अलोंग द z एक्सिस तो फिर इसका एक ही कंपोनेंट हुआ जो कि z एक्सिस के अलोंग है उसका y x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों जीरो हुए तो फिर b हमने ऐसे लिख लिया अब जब इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो ये बन गया वी वाई बी एक्स कैप माइनस वी एक्स बी वाई कैप और बाकी सब टर्म्स इसकी ज़ीरो होंगी अब ये हमारे पास लॉरेंस इक्वेशन इन कंपोनेंट्स फॉर्म आ गई हम इक्वेशन uh, क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये है uh, कोई भी पार्टिकल जो है जब उस जो जब वो मूव करता है तो डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है तो Uh, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पार्टिकल पे जो फोर्स है उसको अब लॉरेंस फोर्स कहते हैं इसीलिए हम अपना इसके मोशन को जब भी अवेलुएट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट लॉरेंस इक्वेशन से ही लेंगे अच्छा अब हमने इसमें इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया तो हम आ, ऐसा करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं जिसमें हम सबसे पहले जी कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं z कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे यहाँ से देखेंगे यह m आ जाएगा यहाँ से डी वी जी बाई डी टी आ जाएगा इधर से q e z आ जाएगा और यहाँ पे तो z कंपोनेंट है ही नहीं तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डी वी जी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई एम ये m, m इधर से इधर शिफ्ट हो गया q बाई एम ई जी तो z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो फोर्स का बल्कि फोर्स का जो z कंपोनेंट है वो ये बन रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये आपके पास जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इस तरह से बनेगा इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी जी डायरेक्शन की तो जी डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई जी बाई एम टी प्लस वी जी ओ इसमें अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है जिसमें आप कहते हैं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी तो इसमें ये वी एफ हो गया ये वी आई हो गया और ये है क्यू जी बाय एम दिस इज़ एक्सलरेशन एंड टी इज़ द टाइम ठीक है इसका मतलब हुआ कि जी डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पार्टिकल है उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रही है एक कांस्टेंट एक्सेलेशन क्रिएट हो रही है और उस कांस्टेंट एक्सेलेशन की वैल्यू है क्यू ई जी बाय एम तो जी डायरेक्शन में जब वी जी डायरेक्शन की वेलोसिटी को अब वी पैरल भी कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्यू ई जी बाई एम है अच्छा अब हम देखते हैं कि जी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी की ये सिचुएशन है अब बाकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या सिचुएशन है अब मैग्नेटिक फील्ड है वाई जी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो है एक्स एंड वाई तो इसका मतलब हुआ एक्स वेलोसिटी का एंड वाई वेलोसिटी का दोनों क्या कहलाएंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स तो फोर्स के जब हम ट्रांसफर्स कंपोनेंट्स लिख रहे हैं तो वो इस तरह से लिखे जाएंगे एम डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू ई एक्स प्लस क्यू वी वाई बी ये हमने इसी ऊपर वाली इक्वेशन से हमने x कंपोनेंट निकाल लिया एम डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू ई एक्स और इधर से vyb आ जाएगा q इधर से और vyb ये आ गया तो ये आपके पास इसका एक्स कंपोनेंट फोर्स का आ गया इस एक्स कंपोनेंट से आप एम को इधर ले आए तो ये हमारे पास बन गया डी वी एक्स बाई डी q टू क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बाई एम बी वी वाई ठीक है तो ये आपका एक्स कंपोनेंट हो गया अब फोर्स सी का हम वाई कंपोनेंट लेंगे एम डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्योंकि ई कंपोनेंट ई वाई जीरो है तो इसलिए यहाँ पे भी जीरो आ गया माइनस क्यू वी एक्स बी ये वी क्रॉस बी का वाई कंपोनेंट आ गया अब इसको हम अगर m को इधर शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा जीरो माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स अब आपको पता है कि क्यू बी ओवर एम क्या होता है इसको आप कहते हैं ओमेगा सी ठीक है तो ये आपके पास आ गया ओमेगा सी डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस ओमेगा सी वी ठीक तो ये आपके पास इसका क्या आ गया ओमेगा सी इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और उसकी वैल्यू होती है क्यू मॉड ऑफ क्यू बी ओवर एम और जब आप इसको खोल देते हैं तो ये प्लस माइनस साइन इसके साथ आ जाता है अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड uh, पे चलते हैं अब हमने क्या किया जो हमारी प्रीवियस इक्विजन थी प्रीवियस uh, इक्विजन हमारी क्या थी डी टू वी एक्स बाई इसको हमने uh, फिर से पिछली स्लाइड पे देखें ये हमारी इक्विजन थी डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बी ओवर एम वी वाई ये हमारी इक्वेशन इसको हम कह लें इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन ए है और ये दूसरी सेकंड वन जो इक्वेशन है इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन बी तो इसको हम डिफ्रेंशियट uh, करते हैं ये वाली जो इक्वेजन है ए इक्वेजन डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बी ओवर एम वी वाई इसको आप डिफ्रेंशियट कर लें इसको जब हम डिफरेंशियट करेंगे तो क्या बन जाएगा डी टू वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू अब चूँकि ये पार्ट टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो इसका जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा प्लस क्यू बी ओवर एम ये आ जाएगा डी वी बाय डी टी ठीक है तो ये हमने कैसे लिखा है इधर ये देखें ऐसे डी टू वी एक्स बाई डी टी स्केयर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा सी डी वी वाई बाय डी टी अब हमने क्या किया कि ये इसको आपने प्लस माइनस ओमेगा सी को ऐसे साइड पे लिख लिया और डी वी वाई बाय डी टी की वैल्यू हम प्रीवियस स्लाइड से इसमें लिख रहे हैं कहाँ से हमने लिखी ये देखें यहाँ से ये ये अगर हम m को इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स ये वैल्यू बन जाएगी डी वी वाई बाई डी टी की ये डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू जब हम आगे यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे डी वी वाई बाई डी टी की जगह पे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू बी वी एक्स ओवर एम ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि क्यू बी ओवर एम ये क्या होता है ये अगेन इट इज़ वैल्यू ऑफ ओमेगा सी तो हम इस वाले माइनस को उठा के बिल्कुल बाहर लिख रहे हैं यहाँ पे और हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस ओमेगा सी ऐसे और यहाँ पे ये क्यू बी ओवर एम जो है इसको हमने फिर से लिख लिया प्लस माइनस ओमेगा सी वी एक्स ठीक है और ये वाला जो माइनस था इसको हमने सेपरेट बाहर कर दिया अब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे जब ओमे प्लस ओमेगा सी <4 Özell großes> को प्लस ओमेगा सी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर इसी तरह माइनस ओमेगा सी को माइनस ओमेगा सी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा सी का स्क्वायर और ये माइनस के बाहर में ऐसे ही रह जाएगा तो साथ में आ गया वी एक्स ठीक है ये आपके पास इक्वेशन बन गई अब ये देखें इक्वेशन डी टू वी एक्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये और ये बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट देखा था उसमें ये इक्वेशन आई थी ये बिल्कुल सेम ऐसी है यानी एक्स डायरेक्शन में Uh, इस मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा एक्स डायरेक्शन में जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये वैसे ही मूव करेगा जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड ये मूव करता था तो अब हम देखते हैं डी टू वी वाई बाई डी टी स्केयर की वैल्यू क्या आती है यार ये आ रही है माइनस ओमेगा सी स्केयर ई एक्स बाई बी प्लस वी वाई ये कैसे आई इसको हम इधर से, से ये साइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आई प्रीवियस स्लाइड से हमारे पास इक्वेशन है डी वी वाई बाई डी टी और वो इक्वल है माइनस क्यू बी ओवर एम वी एक्स के ठीक है तो ये हमारे पास डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू है इसको क्या करेंगे इसको मैंने क्या किया इसका इसका डेरिवेटिव लिया ये डेरिवेटिव बन गया डी टू वी वाई बाई डी टी स्क्र इक्वल्स टू माइनस क्यू बी ओवर एम डी वी एक्स बाई डी टी अब मैंने क्या किया यहाँ पे ये डी वी एक्स बाई डी टी की बजाय हमने क्या किया इसमें डी वी एक्स बाई डी टी जो प्रीवियस स्लाइड से डी वी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी वो क्या थी क्यू बाई एम ई एक्स प्लस क्यू बी ओवर एम वी वाई ये थी इसकी वैल्यू ठीक है अब आप इसको खोल लें ब्रैकेट को ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये बन गया माइनस क्यू स्केयर बी ओवर एम स्केयर ई एक्स माइनस क्यू बी ओवर एम होल स्केयर वी वाई ठीक है तो यहाँ पे आपने अब ये यह यहाँ पे क्यू स्केयर है एम बी स्केयर है लेकिन बी जो है वो उसका स्केयर नहीं है तो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप इस इस टर्म को बी से मल्टीप्लाई कर लें बी से डिवाइड कर लें जब आप इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू बी ओवर एम होल स्केयर और जो आपने बी से डिवाइड किया वो बी यहाँ पे ई एक्स के नीचे आ गया अब आपके पास यहाँ पे भी देखें क्यू बी और एम का स्केयर है यहाँ पे भी क्यू बी और एम का स्केयर है दोनों के साथ माइनस है तो आप माइनस क्यू बी ओवर एम होल स्केयर को कॉमन ले लें बाकी यहां पे रह गया ई एक्स ओवर बी और साथ में माइनस भी बाहर चला गया तो बीच में रह गया प्लस और साथ में यहां पे आ गया वी वाई ठीक है अब क्यू बी ओवर एम को आप क्या कहते हैं आप इसको कहते हैं प्लस माइनस ओमेगा सी तो ये आपने लिख लिया प्लस माइनस ओमेगा सी होल स्केयर अब जब आप प्लस माइनस ओमेगा सी का होल स्केयर लेंगे तो ये सिर्फ़ ओमेगा सी का स्केयर आ जाएगा क्योंकि प्लस का स्केयर भी प्लस और माइनस का स्केयर भी प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास ये माइनस बाहर ऐसे ही था तो ये आपके पास डी टू वी वाई बाई डी टी स्केयर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा सी स्केयर ई एक्स ओवर बी प्लस वी वाई आ गया यानी आपने जो अब देखें कि जो फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स थी उसमें तो कोई चेंज नहीं आई कि वो वैसी ही है कि जैसे मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में थी जबकि वाई डायरेक्शन में चेंज आया है वाई डायरेक्शन में देखें यहाँ पे सिर्फ वी वाई नहीं है बल्कि साथ में ई एक्स ओवर बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये टर्म जो है ये वाई डायरेक्शन में आ, क्रिएट कर रही है थोड़ा सा इफ़ेक्ट वाई डायरेक्शन में ये टर्म जो है ये क्रिएट कर रही है और ई एक्स ओवर बी के जो डायमेंशनज हैं वो वेलोसिटी वाली हैं इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी uh, जो है वो चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अच्छा अब इसी ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको बाहर इसको d2 टू बाई डी टी को बाहर ले लें और साथ में वी वाई प्लस ई एक्स ओवर बी ले लें अब ऐसा करने से क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पिछली टर्म को ये देखें यहाँ पे यहाँ पे ये देखें ये आपने अगर ये आपके पास है डी टू वी वाई बाई डी टी तो इसमें अगर आप v y वा, प्लस ई एक्स ओवर बी उस पर आप d2 टू बाई डी टी स्केयर अप्लाई कर दें तो चूँकि e x ओवर b कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डबल डेरिवेटिव तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा यानी अगर आप इसमें v y प्लस ई एक्स बाई बी टर्म लिख दें तो और साथ में डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये देखें यहाँ पे वी वाई प्लस ई एक्स ओवर बी अब इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये डी टू वी वाई बाई डी टी स्केयर ही आएगा ये टर्म इसमें जो है इस पे डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होगा अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस ओमेगा सी का स्केयर वी वाई प्लस ई एक्स ओवर बी यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो वी वाई है वो रिप्लेस हो गया है वी वाई प्लस ई एक्स ओवर बी से तो फिर आ, अगर हम इनके सोल्यूशन लिखें जनरल सोलूशन तो वी एक्स का तो वही आएगा जो आ, प्रीवियस लेक्चर में आया था वी परपेंडिकुलर ई पर आयोटा ओमेगा सी टी क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसका सलूशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियस सोलूशन था वो आ गया जबकि वी वाई जो है उसमें प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई पर ओमेगा सी टी माइनस ई एक्स ओवर बी आएगा यानी अगर आप इसको एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करें तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सिर्फ वी परपेंडिक प्लस माइनस आयोटा वी परपेंडिकुलर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा सी टी नहीं होगा बल्कि साथ में माइनस ई एक्स ओवर बी भी इसमें आ जाएगा लर्म मोशन इज सिमिलर टू केस वेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो बट नाउ देर इज़ अ सुपर इम्पोज ड्रिफ्ट वी जी ऑफ द गाइडिंग सेंटर इन द माइनस वाई डायरेक्शन ये जो टर्म है ई एक्स ओवर बी इसको आप कह सकते हैं इस ये चूँकि इसकी डायमेंशन विलोसटी वाली हैं तो इसको हम वी जी का नाम दे रहे हैं और वी जी का मतलब है गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट अब गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो है माइनस वाई डायरेक्शन आप यहां पे देख सकते हैं कि माइनस वाई डायरेक्शन क्या बनती है माइनस वाई डायरेक्शन तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट क्रिएट होगी वी जी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी ठीक है इट मीन्स कि अगर जो आयन है वो अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ जनरेट कर रहा है ऐसे ये देखें ऐसे तो उसको जो ड्रिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है अब ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका इसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा जबकि ये ऐसे जब ये यहाँ से इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और इसका रेडियस भी कम हो जाएगा और ये ड्रिफ्ट इस तरह से ये अब यहाँ से देखें ये ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन ये मैग्नेटिक uh, फील्ड जो है ये आउटवर्ड है ठीक है तो जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन है वो वो क्या डायरेक्शन है वो माइनस वाई की डायरेक्शन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको जो ड्रिफ्ट मिली है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है यहाँ से हम देखते हैं कि आ, ये इस फिगर में आप देखें इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस प्लेन के आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस प्लेन में है तो एक आयन जो है ये इस तरह से जायरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में अगर जायरेट कर रहा है ये देखें ये ये इसका लार्मर रेडियस है ये अच्छा तो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन क्या बन रही है ड्रिफ्ट की डायरेक्शन इधर बन रही है ऐसे जिस साइड से रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाए उस तरफ को उस डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है तो ये आयन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है अच्छा अब इलेक्ट्रॉन जो है वो चूंकि आयन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है या अपोज़िट डायरेक्शन में डायरेक्ट करा अगर आयन ऐसे डायरेक्ट करा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करा ये देखें ऐसे।, ऐसे ऐसे लेकिन उसकी जो उसका जो रेडियस है वो इस साइड से ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है दूसरी साइड से नहीं इस साइड से इंक्रीज़ कर रहा है तो अब दोनों में कंपेरिजन करें दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है जबकि इनकी जायरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करते यानी पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो उसके ड्रिफ्ट की डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है तो अब हम देखते हैं एक जनरल फॉर्म ऑफ गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट टू अपटेन अ जनरल फार्मूला फॉर वी जी वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सबसे पहले लॉरेंस इक्वेशन ली उस लॉरेंस इक्वेशन में हम एम डी वी बाई डी टी ये फोर्स है ना तो हम इसको जीरो पुट कर रहे हैं हम इसको क्यों जीरो पुट करें क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल लॉरेंस फोर्स है वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में उसको जायरेट करने के लिए यूज़ होती है तो इसलिए फिर इसका इफ़ेक्ट हमें ऑलरेडी पता है इसलिए हम आ, चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और वी क्रॉस बी का इनका इफेक्ट जो है वो जायरेटिंग पार्टिकल पे हमें पता चले इसलिए हम इस टर्म इस टर्म को रहने देंगे जबकि इसको हम जीरो पुट कर लेते हैं जब हमने इस टर्म को ज़ीरो पुट कि, किया तो ये आ गया ई प्लस वी क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है अब इसमें से ई e को इधर रहने दें वी क्रॉस बी को इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस वी क्रॉस बी ठीक अब दोनों साइड से अब बी का क्रॉस ले लें यहाँ पे मैंने इस साइड पे लिया ई e क्रॉस बी यानी ये आ, जो बी का क्रॉस लिया उसमें प्रोडक्ट में ई e पहले है और बी बाद में है अब बाय इसको बाय रूल इस साइड पे भी बी को इधर होना चाहिए यानी वी क्रॉस बी क्रॉस बी होगा लेकिन चूंकि ये यहाँ पे इस टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा था तो अगर आपको पता है ना कि अगर ऑर्डर रिवर्स कर लें क्रॉस प्रोडक्ट में तो वो आ, टर्म का साइन चेंज हो जाता है तो वो माइनस बी की बजाय आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव बी क्रॉस वी क्रॉस बी, क्रोस बी। फिर हम ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बन गया वी क्रॉस वी क्रॉस बी इस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा वी बी स्केयर माइनस बी वी डॉट बी ठीक है अब इसमें जो वी डॉट बी है ये बी ही की ये कंपोनेंट जो है और साथ में ये B के साथ आ जाएगा ये एक नंबर होगा और ये साथ में B आ गया इस इट मीनस कि ये ये टर्म जो है ना ये B की डायरेक्शन में है तो हम B की डायरेक्शन में हम नोट हम फाइंड नहीं कर रहे इफेक्ट हमें तो चाहिए कि उसके ट्रांसफर्स डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफर्स या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी इफेक्ट है हम उसे फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए इस टर्म को हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे बी वी डॉट बी को हम यहाँ पे जीरो सेट कर रहे हैं बाकी क्या रह गया ई क्रॉस बीज इक्वल टू वी बी स्केयर रह गया सिर्फ जिसमें ई e और क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी स्केयर जो है वो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब हुआ कि अब इसमें से वेलोसिटी निकाल लें और इस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर वी है यानी ये परपेंडिकुलर प्लेन में विलासिटी है और ये गाइडिंग सेंटर विलॉसिटी है जी सी फॉर गाइडिंग सेंटर तो ई क्रॉस बी ओवर बी स्केयर ये है बेसिकली एक जनरल फार्मूला गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट का यानी किसी भी चीज़ की किसी भी क्वांटिटी की वजह से अगर कोई ड्रिफ्ट क्रिएट होती है तो हम उसे इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं जिसमें ये वो क्वांटिटी uh, है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई क्रॉस बी है अगर कोई और फोर्स होगी जैसे फॉर एग्जांपल कोई जनरल फोर्स एफ है तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगी एफ़ क्रॉस बी ओवर बी स्केयर तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट है इसलिए हम इसको ई क्रॉस बी ओवर बी स्केयर कह रहे हैं अब इसको हम स्पेशल नेम दे रहे हैं इसको हम कह रहे हैं वी ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट तो ई ई ई वी ई का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम इसका ई क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो बन जाएगा ई बी साइन ऑफ थीटा तो जिसमें थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हम हमने पहले ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इसलिए थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी साइन 91 तो इस तरह से ई e बी आ जाएगा ई क्रॉस बी का मैग्नीट्यूट आ जाएगा ई e बी जबकि नीचे क्या था बी स्केयर एक बी ऊपर वाले बी से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली ई ओवर बी आ गया यानी वेलोसिटी जो गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट की जो ड्रिफ्ट करने की जो वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो रही है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ई ओवर बी वैसे इसका जो ई e, चुके ये वेलोसिटी तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ज पे ये डिपेंड नहीं कर रही पार्टिकल के मैस पे डिपेंड नहीं करे यानी लाइटर और हेवियर पार्टिकल दोनों के लिए ड्रिफ्ट की अमाउंट सेम होगी अगर चार्ज है प, पॉजिटिव पार्टिकल है या नेगेटिव पार्टिकल है तो भी ड्रिफ्ट की अमाउंट सेम होगी इसके अलावा पार्टिकल जिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी से सर्कल में जायरेट कर रहा है वी ई उस पर भी डिपेंड नहीं करे यानी सर्कल में जायरेट करने की जो वेलोसिटी है वी ई का उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है Thank <laughs> you. यहाँ पे एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ गाइडिंग सेंटर आ, क्या होता है हमने बात बार बार बात की गाइडिंग सेंटर की और गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पार्टिकल है इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे एक पार्टिकल है और वो एक सर्कल में जायरेट कर रहा है इस तरीके से ये देखें ये इसकी जायरेशन की डायरेक्शन है जब वो एक कंप्लीट सर्कल में जायरेट करता है तो उसके बाद वो फिर नेक्स्ट सर्कल में जायरेट करना हो जा शुरू हो जाता है फिर वो अगले सर्कल में जायरेट करता है तो ऐसा कब होता है यानी वो एक पूरा कंप्लीट सर्कल में जायरेट करके फिर नेक्स्ट सर्कल में जाता है ऐसा कब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो कोई और किस्म की फोर्स वहाँ पर ना हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा होता है ऐसे में ये जो उस सर्कल का सेंटर है इसको कहते हैं गाइडिंग सेंटर किसी भी औरिजन से इसका अगर आप पोजीशन वेक्टर लें और इस जगह के जो ओरिजन के लिहाज से कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम गाइडिंग सेंटर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं अब अगर ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने रखे हुए हैं एक्स नॉट वाई नॉट ठीक है अब पार्टिकल की पोजिशन क्या है इस पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर है तो इसका इस ओरिजन के लिहाज से इसका भी कोई ना कोई पोजिशन वैक्टर बन रहा है और उसको हमने फ़िलहाल आर का नाम दिया हुआ है यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट y नॉट तो यहाँ से यहाँ तक यानी इस इस पार्टिकल के पोजीशन से सेंटर तक जो पोजीशन वेक्टर बनता है उसको हम रेडियस वेक्टर कहते हैं आर एल है और उसका मैग्नीट्यूड है एम वी परपेंडिकुलर क्यू ओवर बी एम वी परपेंडिकुलर क्यू ओवर बी इसका मतलब है कि कितने रेडियस में पार्टिकल जायरेट करेगा वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मैस पे पार्टिकल की परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे पार्टिकल के चार्ज पे और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा तो फिर ये तीन चीज़ें हैं जो रेडियस को इफ़ेक्ट करती हैं यानी मैस वेलोसिटी जयरेशन की वेलोसिटी एंड चार्ज क्यू ये तीन चीजें जो हैं ये रेडियस को इफ़ेक्ट करती हैं अच्छा अब यहाँ पे ये पूर फुल एक सर्कल में जायरेट हो रहा है और इसका रेडियस डिपेंड कर रहा है इन तीन चीज़ों पे जो हमने बताया अच्छा अगर तो जब ये पार्टिकल एक सर्कल में जायरेट करके नेक्स्ट सर्कल में जायरेट करने के लिए आ जाए तो इसका सेंटर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर ही रहे यानी यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ जाए फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यानी अलॉन्ग द बी अगर वो मूव करे तो सेंटर जो है वो ए एक्स uh, और वाई के लिहाज से कांस्टेंट रहे जबकि जी एक्सेस में ऊपर 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 बढ़ता जाए तो ऐसे में हम कहेंगे या हम इसको कह सकते हैं कि जो गाइडिंग सेंटर की मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से लीनियर है तो ऐसे में हम uh, ये केस कब होगा ये उस वक्त होगा जब ड्रिफ्ट uh, नहीं होगी यानी पार्टिकल की जायरेशन में या ऑर्बिट में कोई ड्रिफ्ट क्रिएट नहीं हो रही सिर्फ मैग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वजह से जो गाइडिंग सेंटर की मूवमेंट है वो लीनियर है अब यहाँ पे देखें निचली फिगर में यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है अब पार्टिकल अगर यूँ जायरेट कर रहा है लेकिन ये पार्टिकल जो है ये जायरेट है ऐसे करके अब होना तो ये चाहिए था कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये पार्टिकल ऐसे जायरेट करता हुआ करता हुआ यहाँ तक पूरा जाता और फिर इसका अगला सर्कल जो है ना वो स्टार्ट होता ठीक है और इस तरह का एक हेलिकल मोशन जो है ये परफॉर्म होता है जिसमें जो हर सर्कल था उसका रेडियस जो है वो आ, सेम रहता हर सर्कल का रेडियस जो है वो ए, 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 एक जैसा रहता और आ, जो सेंटर है वो उसी एक आ, आ, पहले सर्कल का सेंटर अगले सर्कल का सेंटर उससे अगले सर्कल का सेंटर ये ए, अगर हम इन सेंटर्स को ज्वाइन करते तो एक सीधी लाइन बन जाती ठीक है ये होता जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आ, चुके इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो पार्टिकल जब अपना मोशन स्टार्ट करता है यहाँ से ये यह देखें ये इस वक्त जो है वो वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है फिर इस पॉइंट पे ऐसे है यानी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल है तो वी परपेंडिकुलर जब इस पार्ट में ये मूव करें अब ये देखें ये वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है और वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये दोनों सेम हो गई तो जब ये दोनों सेम हो गई तो फिर ओवरऑल पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा हुआ ठीक है यानी ओवरऑल टोटल इसकी विलोसिटी परपेंडिकुलर विलासिटी बढ़ गई तो अगर ये देखें यहाँ वी परपेंडिकुलर बढ़ गई तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेडियस बढ़ जाएगा यानी जब पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट लिया तो अब ये एक बड़े सर्कल में इसका जो लार्मर रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा ठीक है अब यहाँ पे जब पार्टिकल इन पॉइंट्स पे पहुँचेगा तो अब देखें ये वी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होना शुरू हो गई और इस पॉइंट पर जाके तो v पर बिल्कुल अलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गई अब v पर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ओवरऑल विलासिटी क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई जब विलॉसिटी डिक्रीज हो गई तो आर एल पी क्या हो गया डिक्रीज हो गया तो अब जो पार्टिकल है ये एक उसका रेडियस जो है ये जो ऐसे ये बड़ा सा रेडियस में ये जायरेट करके आया था यहाँ पे पहुँच के अब ये इसका रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर देगा रेडियस डिक्रीज़ करने का मतलब ये है के पार्टिकल जो है वो तेज़ी से यहाँ से ऐसे करके ये देखें ये छोटा रेडियस ये ग्लास सर्कल जो इसने परफॉर्म किया वो छोटा सा था ये ये देखें अब इस साइड से यानी ऑर्बिट का जो ऐसे था ये ये बड़ा था और जब यहाँ से यहाँ पे आया अब ये देखें ये बड़ा नहीं रहा ऐसे ये देखें ये एक ऑर्बिट हो गया तो एक ऑर्बिट में अगर आप देखें तो आ, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो रेडियस बड़ा है जायरेशन का और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो जायरेशन का रेडियस जो है वो स्मॉल हो गया तो ये लेफ्ट और राइट right, जो ऑर्बिट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लेफ्ट और राइट right डिफरेंस है एक्सेलरेशन में यानी इस साइड पे एक्सेलरेट हो रहा है दूसरी साइड से डीसेलरेशन उसमें आ रही है तो ये जो है यही चीज़ जो है ड्रिफ्ट क्रिएट करती है तो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिट लार्ज हो रहा है वो डायरेक्शन क्या बन रही है ये यानी इस तरफ को राइट uh, ऑर्बिट right, uh, के राइट right साइड पे लार्ज uh, हो रहा है रेडियस तो इसका मतलब ड्रिफ्ट जो है उसकी डायरेक्शन ये है अच्छा अब ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके ऑपोजिट डा डायरेट करेगा इस लेकिन इसका भी इस साइड से ये देखें ये इस साइड से इसकी भी आ, बन रही है ड्रिफ्ट इस साइड से रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ड्रिफ्ट गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट दोनों में सेम है अच्छा अब ये देखें कि ओवरऑल हम वैसे देख सकते हैं कि आयन का जायरो रेडियस वैसे ही इलेक्ट्रॉन के जायरो रेडियस से बड़ा है उसकी वजह क्या है उसकी वजह मैस है आयन का मैस ज़्यादा होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो कम होता है अब अगर हम मैस के लिहाज से देखें तो आयन के जायरो रेडियस बड़े होंगे जबकि इलेक्ट्रॉन के जायरो रेडियस स्मॉल होंगे लेकिन दूसरी साइड पे आप ये देखें फ्रीक्वेंसी को देखें ओमेगा क्या होता है ओमेगा होता है क्यू बी ओवर एम यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैस के इन्वर्स होती है जहाँ पे रेडियस बड़ा होगा जहाँ पे रेडियस बड़ा जहाँ पे मैस ज़्यादा होगा वहाँ रेडियस ज़्यादा होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी जैसे इन केस ऑफ आयन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि मैस स्मॉल है रेडियस स्मॉल है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी और जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है ओवरऑल ड्रिफ्ट पे फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ेगा कि जी यहाँ से हम देखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जेरेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट आल्सो गेंस एनर्जी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ड्रिफ्ट क्यों सेम होती है पॉजिटिव आइन की ही डायरेक्शन में इसलिए कि वो जिस डायरेक्शन में एनर्जी गेन कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो उसकी जायरेशन अपोजिट है तो फिर एनर्जी भी आयन की अपोजिट है तो ऐसी इस वजह से ड्रिफ्ट uh, जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी इट्स इट एंड्स अप ड्रिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज एन आयन फॉर पार्टिकल्स ऑफ द सेम विलोसिटी बट डिफरेंट मैसेज अब कुछ दो पार्टिकल अगर ऐसे हैं कि जिनकी वेलोसिटी सेम है लेकिन उनके मैसेज जो हैं वो डिफरेंट है द लाइटर वन विल हैव स्मॉलर आर एल अब चूँकि वेलोसिटी सेम है तो um, विलासटी सेम होने की वजह से आर uh, एल किस पर डिपेंड कर रहा है मैस पे डिपेंड कर रहा है तो जो लाइटर पार्टिकल होगा उसका रेडियस आर एल स्मॉल होगा जिस मैंने आपको पहले बताया एंड हैंस ड्रिफ्ट लेस पर साइकिल और उसकी ड्रिफ्ट जो है एक साइकिल में ड्रिफ्ट भी कम होगी रेडियस स्मॉल है तो ड्रिफ्ट जो है वो कम होगी हावेवर इट्स जायरेशन फ्रिक्वेंसी इज लार्जर लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखी जाए तो मैस से और फ्रीकवेंसी और मैस एक दूसरे के उलट होते हैं तो लाइटर पार्टिकल की जायरो फ्रिक्वेंसी जो है ना वो लार्ज होगी अब फ्रीक्वेंसी लार्ज है ड्रिफ्ट पर साइकिल जो है कम है एंड द टू इफेक्ट्स एग्जैक्टली कैंसिल और एक दो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो ड्रिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी फ्रीकुंसी पर इसके मैस पे डिपेंड uh, 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 नहीं कर रही जो गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट है वो पार्टिकल के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम मैस बट डिफरेंट एनर्जी वुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी द स्लोअर वन विल हैव स्मॉलर आर एंड एनहेंस गेन लेस एनर्जी फ्रॉम ई इन हाफ साइकिल हाव एवर फॉर लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स द फ्रैक्शनल चेंज इन आर एल फॉर अ गिवन चेंज इन एनर्जी इज लार्ज एंड दीज टू इफेक्ट्स कैंसल यानी इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि जो गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू पे बस आ, बाकी पार्टिकल के मैथ पे डिपेंड नहीं कर रही पार्टिकल के चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही और पार्टिकल की वी परपेंडिकुलर पे भी डिपेंड नहीं करे अगर हम एक थ्री डायमेंशनल अभी तो हमने पीछे जो ऑर्बिट देखा वो हमने टू डायमेंशन में बनाया हुआ था अगर हम उसको थ्री डायमेंशनल ऑर्बिट स्पेस में देखें तो वो एक सलान्टड हेलिक्स होगा एक नॉर्मल हेलिक्स ही होता है जिसका हर सर्कल जो है ना वो दूसरे सर्कल के इक्वल हो लेकिन स्लान्टड हेलिक्स का मतलब है कि जैसे आप एक इस हेलिक्स को एक साइड से पकड़ के खींच दें अब ये देखें ये जैसे ये एक हेलिक्स है तो जैसे इसको यहां से इस साइड से इस डायरेक्शन में जैसे इसको पकड़ के खींच दिया हो, गया हो एक साइड से रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर जाए और दूसरी साइड से रेडियाई जो है ना वो डिक्रीज कर जाए तो ऐसे में हम इसको ये इस तरह का स्लंटेड हेलिक्स बनेगा और इसकी पिच जो है वो हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है यानी पिच जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पिच क्या होती है ये डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट पार्टिकल ने ऐसे ऐसे जायरेट करना है और ये इसमें ये इलेक्ट्रिक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो आपके इसमें आ, ये ऊपर जो है ये समझ लें कि इधर आपने एक्सेस लिया ये जी एक्सेस लिया ये ऊपर वाई एक्सेस लिया है तो ये किस तरफ को खींच रहा है ये नीचे को खींच रहा है नीचे कौन सी डायरेक्शन है माइनस वाई की डायरेक्शन है तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप ड्रिफ्ट लेंगे तो ड्रिफ्ट विलास्टिक की डायरेक्शन होगी इन माइनस वाई डायरेक्शन ये देखिए ये ऐसे ये जैसे इस साइड से खींच रहा है ऐसे ये खींच रहा है हेलिक्स जो है